दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूँ निष्पक्ष आवाज यूट्यूब चैनल के इस कार्यक्रम में। दोस्तों आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, भक्ति इत्यादि शब्द सुनकर लगते हैं और व्यक्ति के प्रेम तथा सामान्य सकारात्मक भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। आमतौर पर इसे आस्तिकों का जागीर कहा जाता है, परंतु मेरे विचार से ये भावनाएं हैं और मनुष्य की ही नहीं बल्कि पशुओं में भी पाई जाती है। मैं स्वयं को एक वास्तविक समझता हूं क्योंकि मेरी आस्था ईश्वर में नहीं है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे अंदर आस्था का अभाव हो। मेरी आस्था प्रेम, इंसानियत और भाईचारे में है। मेरी श्रद्धा किसी शास्त्र या धर्म शास्त्र में नहीं है दोस्तों, परंतु मेरे माता पिता और उनके वचनों तथा अन्य समानांतर व्यक्तियों और विषयों में है। मुझे धर्म, ईश्वर, ज्योतिष और भाग्य पर विश्वास नहीं है, परंतु मुझे स्वयं पर तथा अपने पुरुषार्थ और कर्मठता पर पूरा विश्वास है। वास्तविक व्यक्ति को कोई भी ईश्वर के न होने पर पूरा विश्वास होता है, अन्यथा वो नास्तिक ही नहीं हो पाएगा। मैंने किसी अदृश्य शक्ति के आगे समर्पण नहीं कर दिया, परंतु मेरा पूर्ण समर्पण मेरे भारत समाज के प्रति है तथा अपने लक्ष्य के प्रति है। मन, वचन और कर्म से समर्पित हूं उसके लिए। भक्त का अर्थ है मेरे विचार से जो भी विभक्त न हो, मतलब जो कि जुड़ा हुआ हो। मैं किसी सर्वशक्तिमान भगवान का भक्त नहीं हूं, परंतु ऐसे बहुत से लोग हैं जिसे मैं प्रेम करता हूं, भक्त की हद तक, और उनसे जुड़ा रहना भी चाहता हूं। इच्छा है कि कभी भी उनसे विभक्त न हूं, कभी भी उनसे दूर न जाऊं। अतः मेरे जैसा वास्तविक जो कि धर्म का तिरस्कार करता है और ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करता है, वह भी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, भक्ति इत्यादि भावनाएं अपने मन में रखता है कहीं न कहीं पर। जिन लोगों ने गाय, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि जानवर पाले हों और उन पशुओं से प्रेम किया हो तथा उन पशुओं का प्रेम पाया हो, जरा उनसे पूछ कर देखिए कि उपरोक्त सभी भावनाएं पशुओं में भी होती है। वो खुद बताएंगे कि पशुओं में होती है या नहीं होती है। कुत्तों की स्वामी भक्ति और वफादारी और समर्पण तो जग जाहिर है दोस्तों, लेकिन जो ये कुछ तथागतित जो भक्त हैं, जो ईश्वर के नाम पर जो है कि लोगों को गुमराह करते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? अब एक बात और भी, उपरोक्त सभी भावनाएं आप आतंकवादियों और खूंखार अपराधियों में भी देख सकते हैं। जिहाद तथा धर्म युद्ध करने वालों की आस्था ही उनसे यह करा रही है दोस्तों। ईश्वर, अल्लाह और धर्म के नाम पर ही आतंक, हिंसा और कत्लेआम की राह पर चल रहे हैं लोग। हो सकता है कि धार्मिक लोग कहें कि वो भटके हुए नासमझ लोग हैं जिन्होंने धर्म को ठीक से समझा नहीं है, परंतु उन्होंने तो यही समझा है ना अपने धर्म की किताबों से, और ठीक यही बात वो भी कह सकते हैं दोस्तों। देखिए कितनी श्रद्धा और भक्ति है उनके मन में कि वो अपने आकाओं के कहने पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। और समर्पण तो इतने गजब का है उन आतंकवादियों के अंदर कि आत्मघाती बनकर मरने को भी हाजिर हैं, मार रहे हैं और मर रहे हैं। किसके नाम पर? आस्था और श्रद्धा के नाम पर ही तो मर रहे हैं ना वो लोग। अतः निष्कर्ष यह निकलता है दोस्तों कि आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, भक्ति मात्र भावनाएं हैं तथा अच्छे बुरे मनुष्यों अथवा पशुओं में भी वास्तविक रूप से पाई जाती है। आस्तिकता और नास्तिकता से भावनाओं का कोई लेना देना नहीं है। इन भावनाओं का सकारात्मक अथवा नकारात्मक होना भी इस पर निर्भर करता है कि वह किसके प्रति अथवा किस लक्ष्य के प्रति निर्देशित है अपने आप को किया हुआ। यदि कोई कहे कि मेरी आस्था, श्रद्धा तो अदृश्य भक्ति, भूत प्रेत, पिचास, जिन्न, मजार, कर्मकांड, झाड़ू फूक, जातिवाद, सरिया कानून, मनुस्मृति आदि आदि में है, फोटो के आगे थाल सजाने और पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाने या चढ़ाने में है, चाहे कितनी भी प्रदूषित गंगा हो पर कुंभ में डुबकी लगाकर स्वर्ग जाने की इच्छा है,
डकैत कहे कि मेरी आस्था तो डकैती में है, या बलात्कारी कहे कि कैसे भी औरत को पा लेने में है, आतंकवादी कहे कि मैं उस ईश्वर अथवा अल्लाह के नाम पर उसके आदेशों से कहीं कत्लेआम करूं या बम फोड़ूं, वो भी जायज है क्या? आस्तिक तो यही समझते हैं और विश्वास करते हैं कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, उसकी इच्छा के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, जो भी हो वो कर रहे हैं, वह ईश्वर और अल्लाह के नाम पर ही हो रहा है और यही लोग करवा रहे हैं। यदि उसकी इच्छा नहीं होती तो ये बम नहीं फूटता। याद रखिए, आतंकवादी भी आस्थावान ही होता है, शायद उनसे भी ज्यादा जो कि मंदिर में घंटा बजाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता दोस्तों कि इसे आस्थावान मूर्ख कहूं या ना समझ कहूं या भटका हुआ कहूं या कुछ और कहूं। साथ ही यदि कोई कहे कि मेरी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, भक्ति वाली भावनाएं इंसानियत में है, प्रेम में है, गरीबों और वंचितों की बेहतरी में है, न्याय के अधिकार में है, किसी उदास चेहरे को मुस्कान लाने में है, भूखे को रोटी खिलाने में और कैसे रोटी पैदा करी जाए उसके लिए शिक्षित करने में है, तो मैं उसके लिए सम्मान करता हूँ और नतमस्तक होता हूँ दोस्तों। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि नैतिकता के लिए किसी भी धर्म और आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं होती है। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और भूखे को रोटी दो और प्रेम से रहो, यह सीखने के लिए क्या हमें धर्म की जरूरत है? शायद नहीं। क्या हम अपने मूल स्वरूप में इंसान बनकर नहीं रह सकते? हालांकि ये वीडियो देखने वाले गालीबाज आएंगे और गाली देंगे, आप उनका भी सम्मान करिए, क्योंकि उनका आस्था गाली में है, उनके संस्कार गाली से मिला हुआ है, वो कुछ बोल ही नहीं सकते। दोस्तों एक बात याद रखना, आप किसी को वही दे सकते हो जो आपके पास है। इसके लिए अपने पास क्या रखते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और हाँ दोस्तों निष्पक्ष आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन उसे दबा लें, जैसे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मानवता, जय इंसानियत, जय विज्ञान, जय संविधान, जय गौरव।